अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, इसी थर्ड पॉइंट का ये फोर्थ पॉइंट एक्सटेंशन है। मतलब क्या है कि तुम ऐसे देखो, अभी मैंने क्या बोला ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा, तो अगर ए का ऑर्डर एम बाई एन होगा तो बी का ऑर्डर एन बाई एम होगा। अब मैंने बोला कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है और वो इक्वल भी है, तो उसके लिए क्या है, ए बी का ऑर्डर बताओ क्या है। सबसे पहले ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तो ए का ऑर्डर एम बाई एन होगा, बी का ऑर्डर एन बाई एन होगा, तभी जाके ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा। अब मैं फोर्थ नोट में क्या बोल रहा हूं कि ए बी और बी ए इक्वल भी है, तो ए बी का ऑर्डर पहले बताओ क्या होगा। ए बी का ऑर्डर ए करो और बी का कॉलम, तो ए करो क्या है एम और बी का कॉलम क्या है एम। ठीक है ना, यहां देख लो बी ए में अगर मैं बोलूं तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो बी का रो बताओ क्या है, बी का रो एन है और ए का कॉलम एन है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये तो ए बी का ऑर्डर आया, ये बी ए का ऑर्डर आया। अब मैं बोल रहा हूं ए बी बी ए के इक्वल भी है, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होगा, याद करो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो इसका ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है एम बाई एम का, इसका ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है एन बाई एन का, तो ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है एम इज इक्वल टू एन। ठीक है ना, यहां मेरी बात आ रही है समझ में, तो यही बात यहां बोला जा रहा है। यहां क्या बोला जा रहा है कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब तुम अगर ऐसे देखो ए बी, हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला एम एन के इक्वल है। तो अगर एम एन के इक्वल है तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाई एम हो जाएगा, और बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या था ए का ऑर्डर क्या था एम बाई एन था, एम एन के इक्वल है तो एन की जगह हमने एम कर दिया, तो बी का ऑर्डर क्या था फिर एन बाई एम, तो एन की जगह हमने एम कर दिया तो एम बाई एम कर दिया, तो ए हमारा क्या बन गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया एम ऑर्डर का, बी हमारा क्या बन गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया एम ऑर्डर का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। कब ये सारा काम हुआ, जब ए बी भी डिफाइंड हुआ, बी ए भी डिफाइंड हुआ और वो दोनों इक्वल भी हो गया। ठीक है, एक बार और बस 15 सेकंड। मैंने बोला कि अगर ए बी, मैंने बोला कि ए बी डिफाइंड हो सकता है, बी ए डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड ना हो, या बी ए डिफाइंड हो ए बी डिफाइंड ना हो, या दोनों डिफाइंड हो जाए या दोनों डिफाइंड नहीं हो जाए, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं स्पेशल केस बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि ए बी तो डिफाइंड है एंड बी ए भी डिफाइंड है, तो ये तभी हो सकता है जब ए का ऑर्डर एम बाई एन हो जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब ए का ऑर्डर 2/3 हो जाए एंड बी का ऑर्डर 3/2 हो जाए, तो ए बी भी डिफाइंड होगा बी ए भी डिफाइंड होगा। अब फिर दूसरे, मैंने फोर्थ में क्या बोला कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल भी हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए सेम ऑर्डर का। क्लियर है, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट में। यहां मैंने क्या बोला, फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का मतलब पता है क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना, तो तभी जाके हम ए को ए से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब उसको हम ए स्क्वायर बोलेंगे। तो ए स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए ए को क्या होना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। आपको कोई बोलेगा क्यों होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। ए स्क्वायर अगर ये डिफाइंड है तो इसका क्या मतलब है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफाइन नहीं होगा, जैसे ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 2/3, तो अब ये ए स्क्वायर मैं बोलूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देख लो क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा, यही होगा ना। तो इसका ऑर्डर, एक ऑर्डर क्या हमारे पास, यहां 2/3, यहां क्या होगा इसका ऑर्डर, ये भी 2/3 होगा, तो यहां देखो डिफाइंड ही नहीं होगा, ये तीन कॉलम ये दो रो, ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में,
अब अगर ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, ये 3x3 ऑर्डर हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, ये भी 3x3 ऑर्डर हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर हो गया। तो यहां से ये दोनों इक्वल हो गया तो डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो यही बोला गया इसमें। तो ए क्यूब कैसे हम लिखेंगे, ए क्यूब हम ऐसे लिखेंगे कि ए स्क्वायर इंटू ए, तो इसको ए इंटू ए इंटू ए बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स पर हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लिया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है।